हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ जो है आज खाकिस्तर हुई है, और यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं उनका कहना है कि ये ज़ियारत शरीफ खुद से खाकिस्तर नहीं हुई बल्कि ये जलाई गई है। अब इस वक्त हम उसी जगह पे जो हैं, यहाँ के जो तमाम तर जो मकामी बाशिंदे हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं, और साफ तौर पे इस वक्त जो है इस हवाले से वो बड़े पैमाने पे जो हैं वो गमगीन हैं। इस ज़ियारत शरीफ हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारत शरीफ हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह श्रीनगरस मज खाकिस्तर गमत आज, और ये सो ज़ियारत शरीफ वन के शहत वरी प्रयन ये ज़ियारत शरीफ ज़ियारत शरीफ हज़रत क्या वन वन तुम आज वन आज ब्रो त्रे दव ये बार लगित दुदमन ना पता यो जन मोन वह कम क्रिया तो कौर छत तंग तहन आज वो तन ट्रेम कि ठूरम दह आज गव नौन दिन आज रोज गव मे बूज तकरीबन डोड बजे हाँ वो हुशार गो बो वो ये चौपर ना कंट्रोल बुजुर्ग बायोडाटा सिचुएशन अमिच बाबा गाजी रहमत यजी बीठम कैंस टाइम तिम बनो ये मस्जिद तक मस्जिद शहीद बनो बदल पर शहीद बनो पम पर् असम्बली मेम्बर मुबारक सोब अमी लगे पोस अमी बनो ये अस्तान पज प मगर अच्छा तरह फिक्र यह क्या सजिश गई ये कितने को नार बहुत वहां कि सठा दुख मुसलमानन हंद खा कि बहुत मे अंदर वदन बह वन वदान वन कि यह जियारत यह संगमुची यस कह नूरबागची यस कह यह चौपर हर कान मुसलमान हर कंस मुसलमान मगर तमिस बेआरस आव ना कह आर बह क्या कर जियारत बह क्या जाल ये अल्लाह ताला तोलस अमुक सजा तो मगर अमिस बेआरस आव ना ये आर यह सारे मुसलमान जियारत ये बहुत अर्ज कर अत पे कर गवर्नमेंट दरवाजा बिल ठंड तो अन तमें पता जन अम दो नार पता छो पोर ओतर मस्जिद मेलान ईज दस सुबह दुख लगो कैमरा मज गो अको दह इराद आज कैमरा लागन मज गो अको दह तो ये सुबह नार बराबर दह मिनट अक वो मे फोन कर्स आलो दियारत जज वो शंगी पे मतलब कोशिश खुश शुक्र तुम खुदा कुल कोशिश कर पी हिसाब अल नाल मज पे आब पो छवर पो डोड घंट ग फायर सर्विस योर पा डोड घंट ग फायर सर्विस योर मसलू गई वो डी डी सी साहब कर गुजारिश मेहरबानी मेहरबानी अमिक तुम कत कर ये लोग तो लोग कि इंशाल्लाह रूट डी सी साहब सूचम खुदा इंशाल्लाह बड़े काबिल लोकुट बड़े काबिल जान सह बस अर्ज कर वो क्या गव ये सपुद मगर यमुक कर दसी कि ये अस्तान बनावन बे तथान जित अस्तान तमि अलावे नुकन हूं ये खतरा हार्ट अटैक क्या अगर ये फूरी तौर बना यह जियारत यह हर कह सठा अर्ज कर बिल्कुल डी साहब फूरी तौर कर सा इन कार्रवाई हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह जियारत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह जियारत
پور طرفے چھ خاکستر گمت چھو ونن چھ واریا پرن زیارت اور تو چھ وچھان کہ خاکستر چھ گمت یتی کہ لوکل چھ تم چھ ونکس بڑ چھ تہن دل ملول چھ دل چھ تہن دکھی گمت ای موجوب کہ یہ زیارت چھ یہن ونن چھ کہ یہ دزن پان کہ بلکہ یائے زالن ایم بروٹ تہ آو ات زیارت سیت ایتھی اک واقعہ پیش کرن ایتہ تمو ایتہ درواز اوس یت جائے پٹھ اوس درواز اور یت جائے پٹھ اوس درواز اور ات لوب ہمو ات مز اوس مستیل بی اوس ات یہ بوٹ اک یت مز مستیل آو تھاون تو یہ واقعہ چھ سپدومت یت وکس چھ وکس یت کم لوکل باسن چھ یم چھ بڑ دل ملول اس وقت جو ہے ونکس اس بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ سن زیارت پہ اس زیارت خاکستر گسان اور یہن تم لوکل باشند یہ ون کہ یہ سا آو زالن یہ سا آو زالن حاجت حاجت غازی رحمۃ اللہ سن زیارت رحمۃ اللہ
दो तीन दिन पहले दरवाजे को ये आग लगाई थी और ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ देखे कि इन्वेस्टिगेशन करे कौन आया किसने किया और ये जब इतना नुकसान हुआ यहाँ अकीदत मत काफी इस इलाके के हैं सारे इस लोग इस मानते हैं यहाँ पे इसलिए ये जरूरी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए इसका जो असली मुलजिम है उनको पेश किया जाए और तहकीकात की जाए कैसे आग लगी। दूसरी बात ये जल्द जल्द इसका काम शुरू करें और इससे ज्यादा शानदार तरीके से इसको बनाए तभी इलाका यहाँ खामोश रहेगा और इमीडिएटली इनको चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैं अपील करता हूँ कि भूखे आले को जल्द जल्द तामीर किया जाए। Thank you.
باقی وسلم.